श्री राज देखिए दीपक जी, सपना देखने में तो कोई टैक्स देना नहीं। हाँ दीपक जी, सपना देखने के लिए तो कोई टैक्स देने की आवश्यकता है नहीं ना, तो भाजपा मुक्त भारत का सपना देखना इनके लिए इनका अधिकार है, पर वो सपने सपने ही होते हैं, वो कभी पूरे होते नहीं है। जिस प्रकार से देश हित में एक पार्टी काम कर रही है, हम तो देखिए संगठन का कार्य करते हैं, पर जैसे ही हम, मैंने बताया, राम मंदिर का विषय हो या आर्टिकल 370 का विषय हो या अभी काशी विश्वनाथ उज्जैन मंदिर का पुनर् जो काम कार्य किया, मथुरा का कार्य, ये सारा भाजपा कर रहा है और हिंदू हित में काम कर रहा है, इसलिए भाजपा को सफलता प्राप्त हो रही है। तो और ये पार्टियां जो है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, उन्होंने केवल तुष्टिकरण की राजनीति की है, और तुष्टिकरण के बाद भी जिस समुदाय का तुष्टिकरण हुआ है उनकी हालत तो खस्ता हो गई है। तभी तो मैं कह रहा हूं, या तो ओवैसी साहब चुनाव के समय में गलत डेटा लेकर घूम रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हमारा समाज सबसे पिछड़ा है। अभी अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ समय पहले, वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, एक उदाहरण दे रहे थे कि मान लीजिए मेरे दादा की एक्स इनकम थी, और समझो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मेरे दादा की 10,000 रुपए की इनकम थी तो पोते की कम से कम डबल होनी चाहिए, यहां दादा से भी इनकम पोते की कम हो गई है, ये भी वो एक एग्जाम्पल में एक बड़े पत्रकार को दे रहे थे। और समाज में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉपआउट्स का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं पिछड़े हैं, नौकरियां नहीं है, तो ये सारे उदाहरण या तो वो झूठ बोल रहे हैं, फिर वो बार बार काहे के लिए सच्चर कमीशन का या महमूद कमीशन का हवाला देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, तुष्टिकरण होने के बाद एक 60-65 साल किसका राज रहा, तो ये समाज की हालत खस्ता क्यों है? तो आज ये यूज, आज समाज में जैसे अभी के के शर्मा साहब ने कहा, राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य दोनों समान होने चाहिए। चार शादियां करनी है तो शरिया से जाएंगे, बाकी अगर चोरी चकारी और इसमें सब पकड़े जाएंगे तो आईपीसी, तो ये इस तरह से नहीं चलने वाला ना। ठीक है। और इससे इनका समाज का समाज की हालत भी कहां हो रही है, ये भी देखिए आप। ठीक है, अब्बास हैदर साहब, आपसे समझना चाहता हूं मैं, सीधा सवाल है मेरा, बिल्कुल सीधा। प्रधानमंत्री ने आज एक और बात कही, और वो उनका चोट था परिवारवाद पर, वो उनका चोट था भ्रष्टाचार पर। उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन बन रहा है, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार की 100% गारंटी है। क्या कहेंगे अब्बास हैदर साहब, क्योंकि आपकी पार्टी भी तो परिवारवादी है ना, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा या उसकी बेटी। दीपक भाई, ये जो हताशा है प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की, साफ देखने को मिल रही है। देखिए, पहली बार इस देश में ऐसा है कि कोई सेकंड फ्रंट थर्ड फ्रंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ्रंट है जिसमें देश के सभी राजनीतिक दिल, जिनके साथ में देश के जनता, चार लोग तो मैं अभी आपको बता देता हूं, केसीआर है उसमें, व्यक्तिगत चंद्रबाबू नायडू है उसमें, खुद को छोड़ करके, अरे केसीआर है उसमें, बहुत सारे चंद्रबाबू नायडू है उसमें, भाई बहुत सारे लोग, मेरी बात नहीं, बहुत बड़ा फ्रंट है, बहुत बड़ा है, माना आपकी बात, बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उसमें चंद्रबाबू है, क्या उसमें केसीआर है, क्या उसमें जगनमोहन रेड्डी है, आप वाले आएंगे नहीं आएंगे, विनय मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उस पर भी संशय है, बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, 9 साल में, अच्छा बताइए, 9 साल में भाजपा के 23 सहयोगी दल छोड़ के भागे, 23 सहयोगी दल भाजपा के छोड़ के भागे, इनको क्या एक भी एनडीए में सहयोगी बढ़ा है 9 साल में, ये बताइए, हम बता देंगे, हमारे साथ सब लोग जुड़ रहे हैं, तो आप देखिए ना, सहयोगी भी भाजपा के पहचान रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन हार रहा है, जनता किसके साथ में, भाजपा के खिलाफ जनता का, जनता सोच रही है, जनता देख रही है, और यही बात द ऑर्गेनाइजर कह रहा है, आरएसएस का मुखपत्र जो है वो कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व काफी नहीं है, तो 2024 के लिए भाजपा की जो लेबोरेटरी है उसमें इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए आएंगे, जैसे मणिपुर में हो रहा है, जैसे ये सब चीजें, लेकिन देश की जनता इस बात को पहुंच समझ रही है बहुत बखूबी। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदुत्व के लिए काम किया, हिंदुओं के लिए काम किया, हमारा कहना है कि आप देश के लिए काम करिए, देश के लिए जब आप काम करेंगे, अगर रोजगार मिलेगा तो देश के सब सारे लोगों को मिलेगा। अभी मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो ये बात कह रहे थे, मैं कह रहा हूं देश के लिए काम किया, अगर 23 करोड़ को लोग गरीब हुए भाजपा के शासन में तो उसमें हिंदू ज्यादा है मुसलमान कम है, अगर देश में 9 करोड़ 10 लाख लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है तो क्या उसमें मुसलमान है कि हिंदू है, सब देश के नागरिक है। आप समानता की बात करते हैं, आपकी दृष्टि में समानता नहीं है, आप देश के नागरिकों को समानता नहीं देखते। ठीक है, अब्बास जी रुक जाइए, रुक जाइए, लगातार मत बोलते रहिए, मुझे लगता है वो के शर्मा जी उनका कह रहा है आप जो अवसर में समानता देते ही नहीं है, आप एक तरफा राजनीति करते हैं। नहीं दीपक जी, एक चीज बता, अब इनको शांत कराइए ना, ये तो पता नहीं है कहां से, तो अनुराग भदौरिया से भी बड़ा रेलिंगन ले आए,
सपा वाले पता नहीं, अनुराग भदौरिया तो बंद नहीं होते थे, तो उससे ही बात कर रहे हैं आप। आप सब शांत रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चलन देखिए, ये आपके शांति रखिए, ये आपकी, ये आपकी, हाँ हाँ ये आपको पता है हमें आपको क्या, आप व्यक्तिगत टिप्पणी, हम जानते हैं आपको अच्छे से, चिंता मत कीजिए। मैं इतना ही कहता हूँ दीपक जी, इनको क्या ये लग रहा है 4 करोड़ जो है गरीबों के लिए पक्के मकान बने, क्या उसमें चुना गया है कि किसको हिंदू को देना है कि मुसलमान को देना है? सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम समाज के लोग हुए, सबको पक्का मकान, सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम समाज के लोग हुए, सारे लोगों के पास पक्का मकान हो गया देश में, क्या बताइए ना आपने, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मैं नहीं, प्लीज अब्बास जी ये पता नहीं कहां से चल रहा है, आप झूठ बोलेंगे, कभी पहली बार डिबेट में आए हो क्या? नहीं 22 दिसंबर 2022 तक 22 सारे देश के लोगों को पक्का मकान देने की बात की थी, मिले कि नहीं मिले ये बताइए ना, बाइनरी क्वेश्चन है, हां या ना, अगर ना नहीं दिए तो झूठ है ना, नहीं झूठ है ना, इतनी बवासीर हो गया है क्या मुंह पे आपको, क्या हुआ है आपके? अरे आप देखिए, आप प्लीज दोनों कंट्रोल करिए अब्बास जी, बीच में नहीं प्लीज, दोनों कंट्रोल करिए अब्बास जी, बीच में नहीं प्लीज, प्लीज बीच में नहीं, इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है, मैंने मना किया उसके लिए, मैंने बोला दोनों कंट्रोल करें, के शर्मा ये बदतमीजी है ना सरासर, ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, आपके शब्दों में क्या है, आपके शब्द कैसे हैं, आपके शब्द में क्या है, मुझे कहना पड़ेगा आपको, आप अपने शब्दों को तो देखिए ना, नहीं नहीं इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, ये आप ऐसे संस्कार है, आपने हरकतें ऐसी है तो बोलना ही पड़ेगा, आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे शांत रहिए, दीपक जी का सारे पूरी देश देख रही है, देश का सबसे पुराना चैनल है, मैं चुप हूँ, आप बोलिए, जानते हैं सब देश, चुप हूँ आप बोलिए, बोलिए आप तथ्य हो तो बोलिए ना, हाँ मैं तथ्य के साथ ही बोल रहा हूँ, मैं तथ्य के साथ ही बोल रहा हूँ जनाब, मैं तथ्य के साथ ही बोलिए, आज देखिए जितने भी सरकारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की, उसमें कहीं भी यह भेदभाव नहीं किया गया कि ये हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, उसके लाभार्थी जो हैं और उसमें एक बड़ी संख्या जो है गरीब मुस्लिम समाज की है, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला, हमने तो कभी आंकड़े भी नहीं बताया कि इतने ये है इतने ये, हम तो ये कह रहे हैं भाई जो लाभार्थी है वो लेगा इसको। दूसरी बात, जहां तक विपक्षी एकता का प्रश्न है दीपक जी, तो ये विपक्षी एकता तो सबको पता है, मैं अभी आपको ये जो 14 दल जो मिले थे, पहले तो इनकी शंका मैं आपको दूर कर दूं कि अभी तक लोकसभा में 36 दलों का प्रतिनिधित्व है, 36 राजनीतिक दलों का, उसमें आप 14 लोग वहां पर मिले हैं, 20 पार्टियां अलग हैं खड़ी हैं, आपको ये जानकारी हो, बहुत बड़ा गठबंधन, बहुत क्या बड़ा गठबंधन, पूरे 540 में 141 सांसद है मात्र इसके अंदर, बाकी जो है 400 सांसद कहां है, 303 तो हम ही है, 100 सांसद और जो विपक्षी दल के हैं वो अलग खड़े हैं, वो तो आपके साथ भी नहीं आना चाहते, तो आप बहुत बड़ा गठबंधन, बहुत बड़ा ऐसा बता रहे जैसा पूरा विपक्ष इकट्ठा, और आपकी तो स्थिति वहां 3 की है, और आरजेडी जहां जिसके उसमें कर रहे हैं उसका तो खाता भी नहीं खुला है, लोकसभा में 1 सांसद नहीं है, वो गठबंधन की बात कर रहे हैं बैठ के यहां पर, ये टाइटेनिक जहाज है, और उसमें क्या हुआ उस दिन, उस दिन दीपक जी क्या हुआ भाई, 3 बात तो आप हमेशा से कहते आ रहे हो ना, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी की नीतियों ने जो है देश को खत्म कर दिया, मोदी जी को जो है 1-1 मिलके हराएंगे, 1-1 लड़ेंगे, ये तो आप पिछले 8 साल से गा रहे हो, उस दिन 4 घंटे क्या किए, लिट्टी चोखा खाए, चाय काफी पिए और राहुल गांधी की शादी करवाने गए, यही तो हुआ कि राहुल गांधी जी के सामने प्रस्ताव रख रहे थे शादी का, तो ये 4 घंटा क्या वहां पर आप लोगों ने किया विपक्षी दलों ने, ये 3 बात तो हमेशा से रट रहे हैं, और वही चीज वहां हुआ, एक जो नीतीश कुमार जो है आशा पाले बैठे थे कि संयोजक तक बना दो मेरे को, वो तक तो पारित नहीं कर पाए आप वहां पर, ठीक है मैं सीधे, तो मैं सीधे यहां से, आप वहां पर ढोंग मचा के बौखला गए हैं, अरे आप खुद ही अपने आप में समझ नहीं, एक आदमी जो है वहां एक दूसरे को हैसियत दिखा रहे थे, वहां कोई प्यार नफरत की बात कर रहा है कि नफरत का दुकान खोला हूं, कोई कह रहा है मैं प्यार की दुकान खोला हूं, सब कुछ हो रहा था, प्यार इकरार तकरार और साथ में बहिष्कार भी बाद में हो गया पूरे बैठक का, ठीक है।